बताए ईमानदारी और वफादारी दोनों बातें अलग अलग है। मैं आपको याद दिला दूं, ईमानदारी सिर्फ उसी का नाम है कि मैंने चोरी नहीं की, वफादारी उसका नाम है कि मैंने ईमानदारी से कमाए हुए पैसा का भी सदुपयोग किया। वो बंदे हैं जो ईमानदारी से जनता की सेवा करते हुए अपनी वफादारी का निर्माण करते हैं, जीवन के अंदर प्रकृति के निमित्त पक्ष और विपक्ष का सामंजस्य बैठाने के लिए अपनी अक्षुण क्षमता का पूरा जज्बा दिखाते हैं। और वो जज्बा किसी और बंदे में नहीं है, सुमो फिर की धरती के अंदर आने पिछले 20 सालों से जो हमें भी सुनने को कभी मिलता है। सबका जोश है, क्या करें, किनको करो करो पदर पदर पदर। आप भी उमराव सिंह जी पधारो, स्वागत के लिए पिछड़ा वाला जेठोबा आप भी पधारो, जेठाराम जी चौधरी जेठा जी आप भी आवा रहा, आओ पधारो। लेकिन बैठे तो कोई प्रोग्राम तो चालू हेलो, आप नीचे रुके भाई साहब, नीचे ही पधार रहे हैं, आपके पास में अनुपम सिंह। आप भी जो भी कार्यकर्ता पधारे हैं, आपका बड़े मीठे मेहमानों की तरह, परिवार की तरह आपका खूब खूब स्वागत है। और जोश आप में शानदार है, ये जोश बरकरार रखना है और सभी को आने वाले समय में 25 तारीख को एक्टिव होकर के आज है वैसे के वैसे तैयार है। हाँ सगन जी, आप जो भी एक बार आप जो भी स्वागत कर लो पधारो, बहुत ही अगले कार्यक्रम नीचे नीचे उतर रहा हूँ, आप माला फेरने चलो। सभी सभी अतिथियों से निवेदन है, एक बार सब पधार के अंदर पधारे, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, बैठने की व्यवस्था है अपने पास, आप सभी जन पंडाल के अंदर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें।